एवरीवन, मैं हूँ प्रीति तिवारी और प्रीति तिवारी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के लिए फिर से कोई यूनिक सा हेयर स्टाइल टिप्स लेकर आ गई हूँ, जो कि मैं सिर्फ इस दुपट्टे की मदद से करने वाली हूँ। तो कितने हेयर स्टाइल बनने वाले हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो एक दुपट्टे की मदद से आप किस तरीके से इतने सारे हेयर स्टाइल बना सकते हो, चलिए वीडियो स्टार्ट करते, ज़्यादा बातें ना करते। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम सिलाई कोर्स है, उसमें मैं अमेजिंग सिलाई ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ। तो वहाँ पे मैं बारीकियाँ भी समझाती हूँ सिलाई, जैसे कपड़ों की कटिंग करने में आप क्या क्या गलतियाँ करते हो, किस वजह से आपकी ये सारी गलतियाँ होती हैं, वो सब कुछ समझाती हूँ। तो उस चैनल पे भी जाइएगा अगर आपको सिलाई सीखने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो तो। और आज का जो यूनिक सा वीडियो है दुपट्टे की मदद से हेयर स्टाइल, चलिए स्टार्ट करते, ज़्यादा बातें ना करते। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे फर्स्ट हेयर स्टाइल है वो बहुत ही सिंपल है, सारे हेयर स्टाइल देख लीजिएगा, आपको सिंपली बालों को कॉम करना है, दुपट्टे को थोड़ा सा चौड़े में इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। और जो हमारा आजकल ये ट्रेंड में एक हेयर बैंड चलता था, उसके लिए आप इस तरीके से बैक साइड में ले जाके सिंपली इसको बांध लोगे, अच्छे से फोल्ड कर लीजिएगा दुपट्टे को। मैं भी बस समझाने के लिए कर दे रही हूँ, सारे बालों को बैक से फ्रंट की साइड ले लेंगे। पहले चलता था बहुत चौड़े चौड़े हेयर बैंड हम लोग यूज करते थे पहले, तो अभी अगर आपके पास हेयर बैंड ना हो, आपको ये ऐसा ही करना है, आपने सूट पहना हुआ है, तो आप इस तरीके से दुपट्टे की मदद से मैचिंग मैचिंग सा हो जाएगा और आपका हेयर स्टाइल भी रेडी हो जाएगा। आपको ओपन हेयर रखना है तो आपके शॉर्ट हेयर है तो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया, चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। उसके लिए आपको क्या करना है, सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको सिंपली, जैसे आपके पास रबड़ बैंड वगैरह नहीं है, आप बाहर कहीं जा रहे हो, आपको सिंपली ऐसे हेयर को रखना है दुपट्टे को और इस तरीके से दुपट्टे में एक गांठ की लगानी है, ऊपर ऊपर लेके जाना है। लेस बहुत सिंपल सा है, उसके वजह से आपको लेस निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। अगर आपके पास रबड़ बैंड वगैरह कुछ भी नहीं है, आप सिंपली ओपन हेयर करके कहीं चले गए हो, तो आप दुपट्टे की हेल्प से ये सारी हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में जैसे मैंने ये किया, बस आप अपनी जो आपको मांग निकालनी होगी वो अपना निकाल लीजिएगा पहले। जैसे मुझे साइड मांग से करना है ये वाला हेयर स्टाइल, तो मैंने इस तरीके से साइड मांग निकाल ली, अच्छे से कॉम कर लीजिए पूरे बालों में। उसके बाद से अपना दुपट्टा लीजिए और जैसे मैंने अभी बताया था ऊपर की तरफ रखते हैं, फिर से दुपट्टे में एक गांठ लगानी है, टाइटली एकदम बांध ले रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ लगाना है, फिर से टाइट कर दे रहे हैं दुपट्टे को, आपको अंदर की तरफ इस तरीके से लेके जाना है। यहाँ पे जैसे रखोगे इसको और बैक से आपका मेरा लेयर्स कटा हुआ है तो दिख रहा होगा थोड़ा सा, और आप अगर आपका ज़्यादा इस तरीके की लेयर हो गया है तो आप थोड़ा सा इसको ओपन करके जो आपने ये ग्रांस लगाइए उसको थोड़ा और देख लीजिए, ये वाला लेयर्स छोटा रखूँगा, इस तरीके से टाइट कर दीजिए, उसके बाद फिर बटे को नीचे की तरफ से लेके आना है और फिर हेयर बैंड की तरह ही उसको गांठ लगा दीजिए। और ये आप दोनों बालों में स्पॉट सा हेयर स्टाइल कर सकते हो, जो आपके हेयर ये जैसे ये वाला बाल मेरा लेयर की वजह से छोटा है तो निकल जा रहा है, तो आप इस तरीके से हेयर बैंड के अंदर इन कर दीजिएगा इन सारे हेयर्स को। जैसा मैं फाइनल लुक अभी आपको दिखा रही थी, तो ये देखिए, तो लॉन्ग बालों को छोटा आप दिखा सकते हैं इस तरीके से, तो ऐसा लगेगा कि आपके बाल इतने ही छोटे हैं, बट
रियल में आपने देखा किस वजह से ये छोटे हुए हैं। तो ये तो हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया, चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। फोर्थ थोड़ा सा और भी अच्छा है क्योंकि वो बन हेयर स्टाइल है। तो चलिए बताते हैं इस वाले हेयर स्टाइल में जो भी आपके हेयर इधर उधर दिख रहे हैं उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिएगा। तो किसी की हेल्प ले लीजिएगा, चलिए हो गया। तो चलते हैं चौथे हेयर स्टाइल की तरफ, पहले मैं इसको खोल लूँ बालों को। तो चौथे हेयर स्टाइल में आपको एक रबड़ बैंड की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आपने किसी तरीके से आप पौधी बना के गए हो और एकदम से आपको, मैंने वैसे रबड़ बैंड की मदद से भी फाइव अमेजिंग हेयर स्टाइल बताए, ओनली वन रबड़ बैंड की मदद से मैंने पांच अलग अलग हेयर स्टाइल करके आप लोग आपको वीडियो अपलोड कर रखी है। तो आपने चेकअप नहीं किया तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपने बनाया है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपका दुपट्टा लेना है, दुपट्टा लेंगे और ये हमारा चौथा हेयर स्टाइल हो गया है ना, बहुत ही अच्छा था और इजी था। और ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल हो गया। पांचवा हेयर स्टाइल मैं आपको बता देती हूँ। तो ये सारे हेयर स्टाइल बहुत इजी हैं और बहुत आराम से आप कहीं भी जा रहे हो तो कर सकते हो। जैसे आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, अपनी फैमिली के साथ कहीं गए हो, आपने सिर्फ सूट सलवार पहना है और इस तरीके से आपको बालों की वजह से गर्मियाँ हो रही हैं तो आपके पास दुपट्टा तो होता ही है सूट सलवार के साथ, तो आप ये सारे हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए पांचवा हेयर स्टाइल बता देती हूँ। पांचवे हेयर स्टाइल में आपको पोनी अपना थोड़ा हाई बनाना है, जैसे आपने हाई पोनी बना रखी है तो उसके साथ तो दुपट्टे के साथ आप किस तरीके का हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो आपने इस तरीके से पोनी बना रखी है, दुपट्टा है आपके पास, आप पोनी को इस तरीके से करोगे। ओके, दुपट्टे के ऊपर इस तरीके से लपेटोगे और सिंपली ये वाला हेयर स्टाइल आपने बहुत देखा होगा लेकिन आपने दुपट्टे के साथ फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। ओके, इस तरीके से आप, तो ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल हो गया। और आज का हेयर स्टाइल आप लोग को कैसा लगा, आई होप कि पसंद आया हो। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे भी सपोर्ट करते रहिए।